नमस्कार दोस्तों ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है क्या कहा जाता था जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात होती थी किस किस तरह की धमकियां दी जाती थी कहा जाता था कि पूरे जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा अपने कंधों पर उठाने वाला नहीं मिलेगा कहा जाता था कि मोदी अगर दस बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो तीन सौ सत्तर को छू नहीं सकते कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में रैली थी बृहस्पतिवार को और बहुप्रतीक्षित रैली थी इस रैली को बाधित करने के लिए या इसमें लोग ना पहुंचे इसके लिए पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर के बहुत सारी ताकतें अचानक सक्रिय हुई थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लैंडलाइन पर भी और मोबाइल फोन पर भी तरह तरह की धमकियां दी जा रही थी कहा जा रहा था कि इस रैली से आप लोग दूर रहिए ऐसी धमकियां क्यों दी जा रही थी और ज्यादातर इंटरनेशनल कॉल थी ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान जो अब तक प्रोपेगेंडा फैलाता रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को लेकर के उसकी पोल पट्टी खुलने वाली थी क्योंकि जब से 370 हटा है तब से तो जम्मू कश्मीर की नदियों में बहुत पानी बह चुका है और जम्मू कश्मीर का जो आम आवाम है उसकी सोच उसकी समझ बहुत विकसित हो चुकी है मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा कुछ लोगों के विचार सुनवाऊंगा और फिर प्रधानमंत्री का भी जो उन्होंने कहा है वहां पर उसके भी कुछ अंश मैं आपको सुनवाने वाला हूँ लेकिन जरा आप ये देखिए के देश के भीतर भी जो पाक परस्त हैं और जो पाकिस्तान इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब ये तीन सौ सत्तर पैंतीस से हटाया गया था तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया था इमरान खान ने भारतीय उच्चायोगों के सामने दूतावासों के सामने हिंसक प्रदर्शन किए गए थे और जो ओआईसी देश है उनको भी मजबूर किया गया था कि वो बैठक बुलाएं और इस पर एक पूरा प्रोपेगेंडा करें लेकिन जम्मू कश्मीर आज बदला हुआ राज्य है वहां के हर अधि... नागरिक को वोट का भी हक मिल गया है सम्मान भी मिल गया है रोजगार भी मिल रहा है और विकास के पथ पर भी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कुछ वीडियो देखते हैं और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां का मानस कैसे बदला है वहां के लोग कैसे बदल गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के किस तरह की दीवानगी है और किस तरह का उनके नेतृत्व पर उनके कृतित्व पर उनके कहे हुए शब्दों पर लोगों को यकीन है ये कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं कि उनकी रैली के लिए किस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी श्रीनगर की सड़कों पर और बक्शी स्टेडियम में उनकी ये सभा थी उनकी ये रैली थी उसकी जो कैपेसिटी है उतने तो स्टैंड्स वहां भरे हुए थे ही आगे की जो कुर्सियाँ हैं वो वी के लिए थी इम्पोर्टेंट पर्सनस के लिए और जो पीछे के दृश्य हमें दिखाई देंगे आप देखिएगा कहीं पैर रखने की जगह नहीं है इतनी भीड़ वहां उमड़ पड़ी थी दूसरे जो लोग कह रहे थे कि कोई कंधे पर तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा अकेले श्रीनगर में ही करीब दस हजार तिरंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो फहरा रहे थे जो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई थी वो तो एक अलग लेवल की थी ही क्योंकि इससे इनकार नहीं कर सकते कि जब जब जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के जरिए भारत पूरी विश्व बिरादरी को एक संदेश देने की कोशिश करता है कि वहां अब सब कुछ नॉर्मल है और लोगों का जन जीवन जो है वो मामूल पर आ चुका है उनकी विचारधारा बदल चुकी है पूरी तरीके से तब तब ये जो कट्टरपंथी हैं जो अलगाववादी हैं जो पाक परस्त हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन हैं जो आईएसआई है और जो भारत विरोधी ताकतें पाकिस्तान के बाहर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी बैठी हुई हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है वो कोई ना कोई साजिश रचने की कोशिश करते हैं चीजों को दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं और ये जो कामयाब रैली हुई है इसके बाद भी आप देखेंगे दो चार दिन के भीतर कुछ ना कुछ वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे ताकि इस रैली की और इस रैली से जाने वाले संदेश की उतनी चर्चा ना हो जितनी उनके द्वारा जो साजिश रची जा रही होंगी उसकी हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोगों की बाइट्स आई हैं और इनके चेहरों पर जो खुशी है जो उम्मीद है उसका कोई मोल नहीं है एक्चुअल में सुनिए मैं जवाहर नगर से मैं स्टूडेंट मैं मोदी जी से मोदी जी को लाइव देखने आई हूँ मतलब मैं उनसे इंस्पायर हूँ उनकी हर काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ मैं उनकी परछाई बनना चाहती हूँ बिल्कुल उनकी परछाई उन्होंने गरीबों की हेल्प की है लड़कियों की हेल्प सबसे पहले लड़की रस्पेक रस्पेक उन्होंने लड़कियों उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया जल जीवन मिशन है लड़कियों को रेस्पेक्ट दिया आज लड़कियाँ पैदा होती तो बहुत लो हर इंसान खुश हो जाता है लड़कियां पैदा होनी से उन्होंने हमारे मतलब हम उनकी फैमिली है वो लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन तो वो उन्होंने अपनी फैमिली कहा कि हमें और हम सब उनकी फैमिली है इन्होंने बहुत कहते कोई अपनी फैमिली नहीं करती जितना उन्होंने रेस्पेक्ट दी लड़की एक पुराने पत्थरबाज का भी बाइट चल रहा है और वो वायरल भी हो गया है इस समय सोशल मीडिया पर जहां आप देखेंगे तो इस पुराने पत्थरबाज जब ये स्टूडेंट था तो इसको सौ रुपए दे करके पत्थरबाजी कराई जाती थी उसने खुद एक्सेप्ट किया है कैमरों पर जरा उसको सुनिएगा मैं उनको कहना चाहती हूं कि वो जैसे काम कर रहे हैं वो आगे भी बिल्कुल ऐसे ही करें और बहुत अच्छी है मतलब तो तो बहुत अच्छे काम कि वो ऐसे आगे काम करते रहे और आगे भी ये जैसा मैं जब टेंथ में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था मैं भी पत्थरबाज था हमें कोई काम नहीं होता था हमें पांच सौ देते थे हम पत्थर फेंकते थे हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है मैंने वोट आज तक नहीं डाला था लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है मैं हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो बच गया हूं ना मैं हम मेरी जैसे हजारों नौजवान लाख नौजवान वहाँ बच गए क्योंकि हम पत्थर आज हम यहाँ खड़े हैं ये सबसे बड़ी खुशी है हर एक कश्मीरी के लिए हर

ये सबसे बड़ी बात होती है उस रियासत की उस यूटी की जहाँ पे पहले अमन है फिर तरक्की मुमकिन होती है आज मोदी जी ने जो कहा वो मुमकिन हो रहा है इसलिए क्योंकि आज कश्मीर फिर से जनत का गहवारा बन चुका है यानी वहाँ के लोग जो रहते हैं वहाँ पर जो वहाँ के बाशिंदे हैं वो इन बदलावों को कितनी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं अनुभव कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं कि जिन जम्मू कश्मीर की वादियों में बारूद भर दिया गया था बारूद की गंध आती थी कोई सुरक्षित नहीं था घर से निकलता था तो उसको पक्का यकीन नहीं होता था कि वो वापस सुरक्षित लौट जाएगा आज वहाँ फिर जन्नत जैसे नज़ारे वो लोग महसूस कर रहे हैं एक और दृश्य मैं आपको दिखाता हूं हवाई अड्डे के बाहर एक कटआउट लगा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एक कश्मीरी क्या कर रहा है आप जरा देखिए आपको भी इस कश्मीरी पर प्यार आएगा और पीछे कुछ लेडीज खड़ी हुई बड़े कौतूहल से देख रही हैं। वो मोदी के पुतले को चूम रहा है और उनको जो कश्मीर का एक पहनावा है वो मोदी के पुतले को उन्होंने पहनाया है ये एक्चुअल में ऐसे ही नहीं होते हैं ये बदलाव एक दिन में एक रात में नहीं होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो बहुत लंबा भाषण नहीं दिया है पर उसके कुछ अंश में आपको जरूर सुनवाता हूं उसके बाद में इस रैली की प्रासंगिकता इसके महत्व के मायने बताता हूं कि क्या है। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है बंदी समूह ये आजादी आर्टिकल 370 सेवेंटी हटने के बाद आई है दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया देश को गुमराह किया 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था आज 317 नहीं है इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं हाँ आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है समान अवसर भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह श्रीनगर की रैली वैसे तो लोग कहेंगे कि चुकी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए आयोजित की गई है और तीन सौ सत्तर पैंतीस से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो भी योजनाएं परियोजनाएं जमीन पर उतरी हैं उसके बाद प्रधानमंत्री की ये घाटी की पहली यात्रा है जम्मू में तो वो गए थे फरवरी में लेकिन घाटी में उनकी पहली यात्रा है और जब जम्मू में गए थे तब भी उन्होंने करीब बत्तीस हजार करोड़ की योजनाओं परियोजनाओं का ऐलान किया था और यहां भी जब वो आए हैं तो हजारों करोड़ की करीब चौसठ सौ करोड़ की 6400 हजार चार सौ करोड़ की योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण किया है या शिलान्यास किया है और ये ऐसे समय एक्चुअल में रैली की गई है जब पाकिस्तान में अभी हाल में चुनाव हुए और फिर से नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं और प्राइम मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद इस कंगले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर कश्मीर का राग अलापने की चेष्टा की है वैसे तो अब पाकिस्तान में ही ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं जब जब इस तरह की बयानबाजी होती है बकवास होती है तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे कब्जे वाला जो कश्मीर है जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हो उसकी बदहाली तो आज तक आपसे सुधरी नहीं वहां तो ना लोगों के पास स्वच्छ पेयजल है ना सड़कें हैं ना बिजली है ना स्वास्थ्य है यानी बुनियादी ढांचा ही नहीं है और आप एक प्रोपेगेंडा करते रहते हैं साहब जो भारत के पास कश्मीर है जम्मू कश्मीर है उस पर हमारा हक है जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उन पर कभी फिर चर्चा करेंगे और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर के किस तरह के प्रोपेगेंडा करता रहा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है मौलिक अधिकारों का, का उल्लंघन हो रहा है पता नहीं क्या क्या बकवास होती रहती है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और भारत उसका जवाब भी देता रहता है तो ऐसे समय जबकि पाकिस्तान में सरकार बदली है प्रधानमंत्री फिर से शहबाज शरीफ बने हैं और उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर के जो बयानबाजी हुई है उसका जवाब भी देना जरूरी था और प्रधानमंत्री ने जो मेन मेन बातें कही है मैं उनका उल्लेख करके फिर इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा प्रधानमंत्री का कहना यह था कि जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है एक भूखंड नहीं है ये भारत का मस्तक है और विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है यानी अगर भारत को विकसित होना है दो तक तो जो हमारा मस्तक है उसको भी विकसित होना होगा उन्होंने ये कहा कि पर्यटन की हमने नई पहल की है और स्वदेश दर्शन की छह योजनाएं परियोजनाएं हम स्वीकार शुरू कर रहे हैं इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे पैसे वाले धनाढ़ लोग जो हैं विदेशों में जाकर के मैरिज करते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं जम्मू कश्मीर में आकर के करिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कहा कि आप जो मैरिज डेस्टिनेशन है उसके लिए तैयार रहिए उन्होंने कहा कि अगर हमें अपना पैसा खर्च करना है तो हम अपने राज्यों में करें आकर के यानी जम्मू कश्मीर में करें और पिछले दिनों जब वो उत्तराखंड गए थे तो उन्होंने उत्तराखंड वालों को भी कहा था कि आप लोग तैयारियां करिए डेस्टिनेशन मैरिज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करिए दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जी ट्वेंटी का सफल सम्मेलन समिट का एक हिस्सा यहां भी हुआ था और पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं उन्होंने कहा कि दो करोड़ पर्यटक जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं। अमरनाथ यात्रियों की संख्या बढ़ी है। वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ी है। और जम्मू कश्मीर के चाहे केसर हो सेव हो मेवे हो चेरी हो ये बड़े ब्रांड बन चुके हैं अब भारत सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है तेज गति से इस स्टेट का हम विकास करने में लगे हुए हैं पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी आज एक एम्स काम कर रहा है दूसरा एम्स जो है वो बिल्कुल तैयार होने की स्थिति में सात मेडिकल कॉलेज इस समय जम्मू कश्मीर में है कैंसर अस्पताल है आई आई एम जैसे इंस्टीट्यूट हैं दो वंदे भारत ट्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ चुकी हैं और कनेक्टिविटी जो है उसी से आर्थिक समृद्धि आएगी ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उन्होंने तो दावा किया कि जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी है वो दुनिया को प्रेरित करने वाली है यानी आने वाले समय के लिए भी उन्होंने एक संकेत दे दिए कि उनकी सरकार क्या क्या करने जा रही है तौर से जो जम्मू कश्मीर का हस्तशिल्प है जो कारीगरी है उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं तो अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका उल्लेख करता रहा हूं और एक हल्के फुल के मूड में उन्होंने कहा कि यहाँ की झीलों में कमल जो है वो पाए जाते हैं और कई बार तो उन्हें लगता है कि जैसे कश्मीर का कमल से खास रिश्ता है यानी उन्होंने हल्के फुल के मूड में लोगों को एक प्रेरित भी किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कमल के साथ जो जम्मू कश्मीर का रिश्ता है उसको और मजबूत करिए प्रगाढ़ करिए और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के युवाओं के कौशल विकास के लिए हम बहुत बड़े पैमाने पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं खेल सुविधाएं हम बढ़ा रहे हैं सत्रह जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी स्थापित कर दिए गए हैं उनमें व्यवस्थाएं की जा रही हैं और आज जम्मू कश्मीर खुलकर के सांस ले रहा है 370 के नाम पर देश को और जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल पार्टियों और कुछ परिवारों ने गुमराह कर रखा था और जंजीरों से जकड़ दिया था यहां के लोगों को भी और इस प्रदेश को भी उन्होंने कहा कि अब समान अधिकार मिल रहे हैं सम्मान मिल रहा है और समान अवसर भी लोगों को मिल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ग थे समुदाय थे जिनको वोट से भी वंचित कर दिया गया था अब उनको वोट का अधिकार भी मिल गया है बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये परिवारवादी राजनीति के का शिकार रहा है बहुत लंबे समय तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल पाकिस्तान को नहीं बल्कि यहां बैठे हुए पाक परस्तों को भी एक संदेश दिया है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इतनी बड़ी संख्या में रैली में जनसभा में उमड़ करके आकर के जो परिवारवादी पार्टियां जिनको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी उनको भी एक मैसेज तो दे दिया है कि आप अगर हमारे और हमारे बच्चों के साथ हमारे जीवन के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहे तो ई रिलीवेंट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें आप चैनल को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं आप कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार